आप दुनिया में दुनिया की चीज देखते हैं, कई बार हम लोग हताश हो जाते हैं, उसका बेटा देखो, उसकी बेटी देखो, उसका घर देखो, उसकी नौकरी देखो, हम लोग कई बार इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं कि निराशा होती है, अरे उसका बच्चा हमसे अच्छा कर रहा है, उसका बेटा, छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं सोचने की। आपके नथनों में उसने जीवन का श्वास फूंका है। बाग अदन में आकर के उसने ये नहीं कहा, ए हाथी ए जिराफ, किसको पुकारा उसने? ऑफ ऑल द थिंग, सूरज को नहीं पुकारा उसने, चांद को नहीं पुकारा। 6 दिन में आप सोचिए, दुनिया की चीज उसने बनाई, हमसे और आपसे बढ़ करके चीजें बनाई, पूरा आकाश उसने बना करके रख दिया। आकाश, मैं कल डॉक्यूमेंट्री देख रहा था आकाश पर, वैज्ञानिक पागल हो गए कि अभी उनको कुछ एक दूरबीन उन्होंने लगाया है बहुत बड़ी, और उन्होंने जब आकाश में देखा तो पागल हो गए कि ये क्या है भाई, ये किसने बनाया है, इतना विशाल, इतना बड़ा, इतनी बड़ी कायनात, ये कौन चला रहा है, किसने इसको संभाला है। ऑफ ऑल द थिंग्स, आपसे हमसे बढ़ करके चीजें बनी, मगर बागे अदन में आकर के उसने सिर्फ एक जन को पुकारा। अपने आप को आप इतना डिग्रेड समझते हैं, अपने आप को इतना निम्न समझते हैं। मेरा हस्बैंड हमको नहीं पूछता, मेरी वाइफ हमको नहीं पूछती, मेरे बच्चे, छोड़ दीजिए, कोई नहीं पूछता। प्रभु आपको आज भी नाम लेकर के पुकार रहा है। मैंने कहा, प्रभु आज भी आपको नाम लेकर पुकार रहा है। क्या खूबी थी आदम में, खूबी क्या थी जो हाथी में नहीं थी, जो जिराफ में नहीं थी, जो व्हेल में नहीं थी, जो सूरज और चांद में नहीं थी? क्या खूबी थी? जानते, केवल एक खूबी थी कि आदम में परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास फूंका था। आपकी खूबी सिर्फ यह है कि आपके अंदर यीशु मसीह के जीवन का श्वास है। हम कुछ नहीं है, हम कोई टैलेंट नहीं, ना हम गा सकते, ना बजा सकते, मगर उसका श्वास मेरे जीवन में चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी अगर आपको निराशा महसूस हो, और आजकल जब आप दुनिया में दुनिया की चीज देखते हैं, कई बार हम लोग हताश हो जाते हैं, उसका बेटा देखो, उसकी बेटी देखो, उसका घर देखो, उसकी नौकरी देखो, हम लोग कई बार इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं कि निराशा होती है, अरे उसका बच्चा हमसे अच्छा कर रहा है, उसका बेटा, छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं सोचने की। आपके नथनों में उसने जीवन का श्वास फूंका है। होगा हाथी आपसे बड़ा, होगा जिराफ की गर्दन आपसे लंबी, आप हैं मेरे साथ? होगी कहीं सोने की खान, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, हीरे और मोती जवाहरात सब होंगे, किसी को नहीं पुकारा उसने। एक बार मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोल दीजिए। सांप सबसे दूर था, अरे जाओ हाथी से बात करो, जाओ घड़ियाल से बात करो, जाओ बंदर से कहो फल को तोड़ के खा ले, उससे बढ़िया क्या होगा, तो पेड़े पर रहता है। ढूंढ ढांड करके बोला, इसी से बात करेंगे। क्यों आप निराश होते हैं? क्योंकि शैतान को मालूम है कि यही निराश हो सकता है। और जानते हैं निराश कौन होता है? जिसके पास आशा होती है वही निराश होता है। भाई जिसके पास आशा ही नहीं है वो ना निराश होता है ना हताश होता है, क्योंकि आशा ही नहीं। हम और आप कई बार अगर निराश हो जाते हैं, याद रखिएगा आपके पास एक आशा है, अनंत जीवन की आशा है।